गांधी जयंती के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया है, भारत उसे कभी नहीं भूलेगा। आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। हम राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हैं। कठिनाइयों के बीच में भी कोई कैसे ऊंचाइयों को छू सकता है, कैसे बड़ी ऊंचाइयों को पहुंच सकता है, यह हम उनसे सीख सकते हैं। मैं उन दोनों को नमन करता हूं। आगे यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में और हम सबके मन में महात्मा गांधी के प्रति जो उनका अपना योगदान असीम और खास करके दुनिया भारत को महात्मा गांधी जी के कारण से एक अलग रूप में पहचानती है। एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी जिनके जीवन में सदैव भारत के प्रति प्रेम भी और भारत की संस्कृति को दुनिया में परिचित कराने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपनी अहिंसा मार्ग के माध्यम से एक ऐसी शक्ति को पराजित करा जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसके सूर्य अस्त नहीं होगा, जिनका एरिया इतना बड़ा था। लेकिन ऐसे समय में हम सब उनके बताए एक एक काम को एक साथ कोई कितने मोर्चे पर काम कर सकता है, महात्मा गांधी से सीखने वाली बात है। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के संघर्ष में भी योगदान दिया, जातिगत असमानता के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, स्वच्छता के प्रति भी ध्यान दिया, समयबद्धता के भी प्रति ध्यान दिया, स्वदेशी का भी आग्रह किया। ये सारे एक एक आयाम है जिन आयामों के माध्यम से भारत के अंदर की कई सारी कमजोरियों को दूर करके भारत को सशक्त करना, भारतवासियों का जीवन बदलना और भारत को इस तरह से तैयार करना जो दुनिया में अपनी एक अलग छाप बनाकर सबसे मजबूत खड़ा हो, इसी बात को सूत्र रूप में लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 15 दिन का आग्रह किया और हमने सबने वो 17 सितंबर उनके जन्मदिन से लगाकर 2 अक्टूबर तक का पखवाड़ा मनाया है।